आपको सीधे लिए चलते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनते हैं। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया गया, सिर्फ और सिर्फ ईडी की एक मनी ट्रेल की आशंका पर। लेकिन 21 मार्च 2024 को इस लिकर पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में, इस लिकर पॉलिसी केस में पहली बार मनी ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है 21 मार्च को, कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए, वो पैसे कहां गए, इसका पुख्ता प्रमाण 21 मार्च 2024 को सामने आ गया। आज उस बात को 16 दिन हो गए। तो जब एक मनी ट्रेल की आशंका पर रेड होते हैं, समन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो एक पुख्ता मनी ट्रेल के आधार पर पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी, और इसका जवाब यह है कि ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रही है। तो मैं आज ईडी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा सबसे पहला सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कि पिछले 16 दिन में जब पुख्ता प्रमाण शराब कारोबारी साउथ लॉबी के शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ के चंदे का भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, उसका जब एक पुख्ता प्रमाण आ गया है, तो पिछले 16 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस पे क्या जांच करी है, कितने समन भेजे हैं, कितनी रेड करी हैं और कितनी गिरफ्तारियां करी हैं, ये है मेरा ईडी से पहला सवाल। मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि जब सिर्फ मनी ट्रेल की आशंका पर आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, तो जब 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा? मेरा ईडी को तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इसका जवाब ईडी को देना होगा। इसके अलावा इस पूरी जांच में 2 साल से ईडी गोवा चुनाव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहते हैं कि जी मनी ट्रेल गोवा चुनाव तक जाती है, तो जो चुनाव 2 साल पहले हुआ, आज उसके कैंडिडेट को बुला रहे हैं, आज उसके पोस्टर वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे टेंट लगाने वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे कुर्सी लगाने वाले को बुला रहे हैं, इस मान्यता के आधार पर कि चुनाव प्रचार में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी मान्यता भी है कि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए पार्टियों को पैसा देते हैं। तो जब 29 मार्च को शराब घोटाले के एक और आरोपी मगुंटा श्रीनिवासलु रेड्डी को
भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से टिकट मिलता है तो क्या ईडी इस बात की जांच कर रही है?